सत श्री अकाल। मैं हुण लड़ी नूं अगे तोरदी आं। अज मड़ी रणजीत दी दसदी है, अज मड़ी रणजीत दी दसदी है, कदी असी भी हुंदे सी राज वाले। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तों बाद पंजाबियां दे आखरी राजे महाराजा दलीप सिंह दे हत्थों राज दी कन्नी इंज खिसकी कि मुड़ पंजाबियां दे हत्थ ना आए। दलीप सिंह 5 सालां दी उम्र विच सिख राज दे महाराजा बने। 1849 विच 10 सालां दे हुंदिआं उन्हां तों धोखे नाल उन्हां दा राजभाग खो लिया गया। अगले 5 साल मां तों पुत नूं जुदा रखिआ गया। डाक्टर लोगिन दी देख रेख हेठ उस सिख राजे नूं ईसाई बना दिता गया ताकि उसके जहन विचों हर ओचिन बिंब आकार नूं मिटाया जा सके, जिस विचों मुड़ के सिख राज नूं कायम करन दी चिणक उठ सकती सी। 15 साल की उम्र विच उन्हां नूं इंग्लैंड लिजाया गया, जिथे महाराणी विक्टोरिया उन्हां नूं ब्लैक प्रिंस कह के बुलाया करती सी। महाराजा दलीप सिंह का एक खूबसूरत पोस्टर उस पेंटिंग का है जो महाराणी विक्टोरिया ने लंडन के महल विच बनवाई सी। जदों बरतानिया सरकार नूं यह यकीन हो गया कि दलीप सिंह उन्हां दे रंग विच रंग चुके हन, हुण उन्हां वल्लों कोई बगावत नहीं होएगी, महाराजा की पूरी और मंग तो बाद उन्होंने महाराणी जिंद कौर नाल मिलाउण लई इंडिया लजाया गया। इस डर तो कि सिखां दा खून अपने राजे नूं देख के जोश मार सकता है, बजाय पंजाब उन्हां दी मुलाकात कलकत्ते विच कराई गई। अज जद भी असीं महाराणी जिंद कौर बारे सोचते हाँ तो साडियां वी रगां विच खून दा वेग तेज हो जाता है कि किवें उस मां ने चढ़दी कला विच रह के अपना हौसला नहीं हारिया। उस मां आखिरी दम तक उन्हां नूं उन्हां दे विरसे बारे दसदी रही, विरसे बारे याद करवाते रहे कि तुसी ब्लैक प्रिंस नहीं, शहजादा नहीं, सिख राज दे महाराज हो। दलीप सिंह अमृत छक के सिख राज लैण लई तैयार हो गए। भावें संसार दी यंग दे हालात ते होर करना करके उह सफल नहीं हो सके, पर इस गल विच सफल हो गए कि आज इंडिया इंग्लैंड तो हजारां मील दूर असी इंटरनेशनल वुमेन डे ते कैनेडा सरी विच उन्हां नूं ही नहीं असी महाराणी जिंदा ते राजकुमारी सोफिया दे सिदक नूं याद करदे हां। असी बड़ी दृढ़ता अते सिदक दे नाल इस सुनेहा दिंदे हां कि असी उन्हां दी वारिस हां। साडा राणियां वाला सत्कार है जो पूर्ण तौर ते बहाल होके रहेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਨੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।